बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खालिद अज़ीज़ आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो मुबशर सदीक का हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगना, लोगों से कि यार मेरे घर में ना आए, मुझे तंग ना करें। इसकी असल वजह क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, तो गुजारिश करूँगा कि मेरे वीडियो को आखिर तक देखें। मैं वो बात बताने लगा हूँ जिस बात की वजह से उसने लोगों से, अपने मदाहों से, अपने चाहने वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों कुछ लोग उसके घर में गए, इसमें औरतें भी और मर्द भी शामिल हैं, और ये बहुत पहले से जा रहे हैं। शुरू शुरू में तो मुबशर सदीक को जब जो है कामयाबी मिली और जैसे जैसे उसके व्यूवर बढ़ते गए तो वो इस बात पे सब्सक्राइबर बढ़ते गए तो खुश भी थे कि लोग चलो मैं जी इतनी इज्जत दे रहे हैं, अब आके वो इतने तंग क्यों हो गए और इस बात की नौबत क्यों आई कि वो आके जो है लाइव आके जो है वीडियो बनाते हैं और माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता भी दे रहे हैं लोगों को कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले दिनों उनके घर में कुछ ख़वातीन गईं जो कि उन्होंने खुफिया कैमरा लगाए हुए थे, तो मुबशर सदीक जो उनके भाई घर में मौजूद नहीं थे, तो इनकी वालदा और इनके जो है घर वालों के जो अहल इनके जो अहल खाना है उनकी खुफिया तरीके से उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली। अभी मुबशर सदीक ने या उनके भाइयों ने कभी भी अपने माँ जो है ना औरतों को वीडियो में नहीं दिखाया, सिवाय अपने वालिद के या वो तीन भाई खुद इसके अलावा बच्चों के अलावा बाकी उन्होंने कभी औरतों को नहीं दिखाया। तो उन ख्वातीन ने जाके वो वीडियो बना ली और वो वीडियो ले आके डाल दी कि मुबशर सदीक की माँ के साथ हमारी मुलाकात, कोई इतनी वो बात नहीं थी लेकिन जो उन्होंने वो वीडियो जाके अपलोड कर दी। तो मुबशर भाई ने वो वीडियो जाके देख ली कहीं से, उन्होंने किसी ने बता दिया कि भाई आपकी तो वालदा साहिबा की वीडियो आपने देख ली है, तो उन्होंने वो सर्च किया देखा तो उनकी वालदा की वीडियो अपलोड हुई थी। तो बाद में उन्होंने उसको ईमेल करके जिस खातून ने जो है वो वीडियो अपलोड की थी उसको ईमेल पे बताया कि प्लीज़ ये आप वीडियो डिलीट कर दें, लेकिन वीडियो तो डिलीट हो गई है लेकिन मुमकिन है कि कई लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया हो, तो इस बात पर उनको नागवारी हुई है और उस बात को उन्होंने बुरा माना है कि यार देखें ये लोग मेरे लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है YouTube पे आके सब अपने मदाहों से, अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं या उनके जो व्यूवर्स हैं पक्के, उनसे उसने माजरत कर ली कि भाई मेरे घर या मेरे गांव में मुझे मिलने ना आए। तो मेन वजह यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।